हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को बड़ा प्यार दिया, यार क्या प्यार दिया आप लोगों ने उस वीडियो को। इतने सारे बच्चों ने हमारा वो वीडियो शेयर किया है, इतने सारे लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया है, आपके सारे कॉमेंट्स हम तक पहुँच रहे हैं, और कितने सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है। और जिन जिन ने मुझे मैसेज किया उन सबको मैंने पिछले वाले 5 मार्क्स की क्वेश्चंस के सारे इंपॉर्टेंट के पीडीएफ भी दिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन जो आज हमारा वीडियो है, यहाँ पे मैं आपके साथ में इकोनॉमिक्स के 3 मार्क के क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर करूंगा, और उसमें से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो, पीडीएफ में मैंने 3 मार्क के क्वेश्चन सारे डाल दिए हैं, पर आपको एग्जाम के व्यू पॉइंट से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूंगा। तो आपका काम रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद में हम 2 मार्क वाला भी लाने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी लाने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, कितना सारा कॉन्टेंट मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स के 3 मार्क के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वर्जन, और ये है शेपर्स एडुकेशन, आपका अपना प्यारा सा चैनल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर 2023-24 सेशंस। बट ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, खाली अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहित सर, SIRRR2 लगाना, एक से काम नहीं चलेगा। So, आपको क्या करना रहेगा, और शेपर्स एडुकेशन की यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, जहां पे आपके सारे के सारे टॉपिक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहला चैप्टर है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर बहुत बार 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से चैप्टर इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चंस। तो चलिए पहले इसको कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्रॉइंग डायग्राम्स। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं ध्यान रखनी है डायग्राम्स और ग्राफ ड्रॉ करते टाइम पे, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला आपको एक अच्छा सिलेक्शन करना है, कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका एक अच्छा सिलेक्शन आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप डायग्राम किस तरीके से बनाने वाले हो, डायग्राम थोड़ा नीट रहे, डायग्राम का स्केल क्या होगा, डायग्राम का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करेंगे एंड एवरीथिंग। आपको स्केल्स और मेजर्स को अच्छे से रखना है, रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे करेक्ट तरीके से देना है, जो टेबल और सोर्स आप यूज कर रहे हो मेक श्योर कि वो टेबल और सोर्स करेक्ट हो, एंड आखिरी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह आप यूज कर रहे हो डेटा के अंदर वो सारे कैलकुलेशंस भी परफेक्ट होने चाहिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, स्टेट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना है कि भैया डायग्राम ज्यादा छोटा ना हो, ज्यादा बड़ा ना हो, लेंथ परफेक्ट हो, डिस्टेंस बिटवीन बार्स आर परफेक्ट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार्स परफेक्ट होने चाहिए, डायग्राम अच्छी तरह से आपके डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी पूछा नहीं गया ज्यादातर ये, बट एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द यूजफुल ऑफ इंटरनेट, वैसे ये कभी आता नहीं, आप इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, और कभी आए तो आप मन से लिख दोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट द सेम। और इसके साथ में मैंने आपको यहाँ पे कुछ फंडास भी दिए हैं, जैसे कि अगर आपको याद करना इंटरनेट टेक्नोलॉजी का प्रोसेस तो उसका फंडा हो गया टेम्ब्रिड। अब आप टेम्ब्रिड से इन सारे वर्ड के इनिशियल्स को मिला के भी याद कर सकते हो। ये पूरा पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको खाली यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है, आपको पता चलेगा ये पीडीएफ आपको कैसे मिलने वाला है। चलिए, सो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, गिव द क्वेश्चंस एरिया टू बी कंसीडर एरियाज इन यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन स्टडिंग। आपको क्या क्या ध्यान देना है, फुद्दू क्वेश्चन है, नहीं पढ़ोगे चलेगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना। What is the importance of diagram and graph in context of presenting information about economics for lay persons and for experts? अब ये थोड़ा सा important है, but ज़्यादा important नहीं है। आप चाहो तो इसको मन से भी लिख सकते हो। Lay person मतलब अंगूठा छाप आदमी। एक अंगूठा छाप आदमी के लिए diagrams और graphs का क्या importance होता है? तो आप थोड़ा बहुत मन से लिखोगे तो भी चलेगा। It is not that important. चलिए, इसके बाद में हमारा first chapter में maximum 2 ही question important है। ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, tension नहीं है। दूसरा चैप्टर है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, एक ही तरीके के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। मोस्टली पीक्यूएल इंडेक्स के बारे में आता है, एचडीआई इंडेक्स के बारे में आता है, तो ये क्वेश्चंस बेसिक रिपीट होते हैं, तो मोस्टली हमें पता ही रहता है कि ये क्वेश्चंस ये लोग पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है,
और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, साथ ही में उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हमें डिटरमाइन किया जाता है। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा था, ये अच्छा आंसर है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आगे आने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो है आपका देखो ये गिव रीजंस में पूछते हैं, 2 मार्क में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। डिस्कस नेशनल इनकम एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको बताना है कि क्या नेशनल इनकम अच्छा इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देखो आप इसको जनरली मन से भी लिखोगे तो चलेगा, पहले सबसे पहले आपको बताना है कि नेशनल इनकम क्या होता है, फिर आपको बताना है कि नेशनल इनकम क्या इंडिकेट करता है। तो भैया नेशनल इनकम से 2 कंट्री के इनकम को कंपेयर किया जा सकता है, फिर आपको बताना है क्या वो अच्छा इंडिकेटर है। अब आपको साइड किसकी लेनी है वो ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहूंगा तो मैं कहूंगा नहीं, नेशनल इनकम इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खाली 2 देशों को कंपेयर करता है, वहां के अंदर के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नहीं बताता है। जैसे कि भैया अंबानी जी कमाते करोड़ों रुपए हैं, हमारे जैसे लोग कुछ भी नहीं कमाते हैं, तो हम दोनों को कंपेयर करके देश की इनकम को निकाला जाए, तो मेरी इनकम और अंबानी जी की इनकम को प्लस किया जाए तो भैया देश की इनकम तो रॉकेट हो गई है। बट क्या उसका मतलब ये हुआ है कि देश में सारे लोग पैसे वाले हैं? नहीं है। स्पेसिफिकली कंट्री लाइक इंडिया जहां पे इतनी ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कि टॉप 5% पीपल ओन्स 25% ऑफ नेशनल वेल्थ एंड बॉटम 25% पीपल ओन्स ओनली 5% ऑफ नेशनल वेल्थ। तो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि नेशनल इनकम एक अच्छा मेजरमेंट होता नहीं है, क्योंकि वो कंट्री के अंदर की हेल्थ सिस्टम, कंट्री के अंदर के एजुकेशन सिस्टम, कंट्री के अंदर के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में कुछ भी बताता नहीं है। सो आपको ये मन से लिखना है तो भी चलेगा, ये बेसिकली इसके कुछ ज्यादा डिटेल पॉइंट्स आपको डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड ये क्वेश्चन, अगेन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप मन से लिखोगे तो चलेगा कि क्या पर कैपिटल इनकम अच्छा इंडिकेटर है, तो अगेन आपका जवाब ना होना चाहिए, क्योंकि पर कैपिटल इनकम निकालते हैं नेशनल इनकम से। पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो अगेन पर कैपिटल इनकम को निकाला गया नेशनल इनकम से। अब नेशनल इनकम में ऑलरेडी हमारे टॉप 5% लोगों की इनकम आ गई है, तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटल इनकम कंट्री की ज्यादा दिखेगी, बट वो पर कैपिटल इनकम पूरी कंट्री की नहीं है सर, वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही अनइक्वल है। तो आप इसको भी मन से लिखोगे चलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना फिर मन से लिखना। मैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आंसर से मिलवाता हूं, और वो आने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के लिमिटेशंस क्या है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मन से नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहला लिमिटेशन कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स खाली 3 इंडिकेटर्स को कंसिडर करता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स खाली एक एवरेज बताता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक कंट्री की PQLI हाई है, मतलब वो कंट्री का डेवलपमेंट ज्यादा है, अगर एक कंट्री का PQLI कम है, मतलब कंट्री के अंदर फिजिकल क्वालिटी लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी सी बेहतर नहीं है। सो PQLI ऑफ रिच कंट्रीज राइजेज एट लोअर रेट। अब आप PQLI का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कंपेयर करोगे कि इंडिया का PQLI पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, तो भैया इंडिया के पास ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया बहुत नीचे है। बट ऐसी कंट्रीज जो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, अब उनमें और ऊपर जाने का स्कोप ही नहीं बचा है भैया, वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है और ऊपर नहीं जा सकती है, तो इसलिए PQLI से कंपैरिजन बेटर नहीं हो पाता है हर बार। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया इज ग्रोइंग और डेवलपिंग और बोथ, अगेन ये फुद्दू क्वेश्चन है, रीड कर लोगे एक बार चलेगा। ये सब रैंकर्स के लिए हमें डालना पड़ता है, अगर आप रैंकर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको डालना पड़ेगा, बाकी अगर आप रैंकर कैटेगरी वाले नहीं हो तो आपको इसकी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर आपको मेनली क्या पढ़ना है, पहला क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहला क्या था PQLI इंडेक्स और उसके एस्पेक्ट्स, दूसरा उसके लिमिटेशन पढ़ लो, मोस्टली वही आएगा, ज्यादा इसमें से आने वाला नहीं है, डोंट वरी। चलिए अब आते हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉवर्टी, 5th चैप्टर जो हमारी बुक का है। पॉवर्टी के अंदर के क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत ही जनरल थीम के क्वेश्चंस आते हैं, आप मजे से मन से लिखोगे तो भी चलेगा, आप खाली कोशिश ये करेगा कि आप हेडिंग याद कर ले। अगर आपको हेडिंग याद है ना बच्चा लोग, तो आपको ये चैप्टर ज्यादा परेशान नहीं करेगा। सो हेडिंग मक करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि पॉवर्टी के कॉजेस क्या होते हैं। अब ये बच्चा जानता है यार, ये मन से लिखेंगे थोड़ा बहुत चलेगा, इफ यू हैव अ गुड वोकैबुलरी है। द प्रॉब्लम इज हमारे गुजरात बोर्ड का लिमिटेशन है, आपका मेरा नहीं है, ये हमारे गुजरात बोर्ड का लिमिटेशन है कि यार इंग्लिश इज नॉट दैट गुड। द रीजन बीइंग हम जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं वहाँ पे इंग्लिश कंपल्शन नहीं होता, हमारे घर पे हमें इंग्लिश का माहौल नहीं मिल पाता है, एंड दैट्स द रीजन वी पीपल लैक इन वोकैबुलरी, एंड दैट्स द रीजन जब हम लोग अपने मन से किसी आंसर्स को लिखते हैं वी मेक मेनी अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स, हमारे ग्रामर बेकार होता है, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन बेकार होता है, एंड दैट्स द रीजन हमारी स्कूल टीचर हमें कहती है यार तुम मत लिखो मन से, तुम रट के आओ। रटना जरूरी नहीं है,
आपकी गुजरात बोर्ड का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको टेक्स्टुअल कंटेंट ही लिखना अच्छा होता है। आपको बोर्ड वाले मार्क्स तभी देंगे जब आपका आंसर एग्जैक्टली टेक्स्टुअल कंटेंट से मैच करता है। हमारे सारे नोट्स भी हम टेक्स्टुअल कंटेंट से ही बनाते हैं क्योंकि हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते नोट्स के अंदर, क्योंकि ज्यादा चेंजेस करने से आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको टेक्स्टुअल कंटेंट को दो बार पढ़ना है, पढ़ने से याद रह जाएगा, एग्जाम में थोड़ा बहुत मन से लिखोगे चलेगा, बट अगर आपका ग्रामर अच्छा नहीं है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, यू डोंट हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश, आई वुड से प्लीज आप अपने मन से मत लिखो वरना आप रायता फैला दोगे, प्लीज मत करना वो। चलिए, तो वैसे तो ये इजी है। अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, एक लेबर का जितना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए उतना नहीं है। इन रीजंस बहुत सारे हैं, लेबर एडुकेटेड नहीं है, साइंटिफिक मेथड्स नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी मशीन्स नहीं है, दैट इज द रीजन कि लेबर प्रोडक्टिविटी कम है। सेकंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी समझाया है कि हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम फॉलो होता था, एक जमींदार पूरे गांव का मालिक होता था, तो बेचारा फार्मर जो ऑलरेडी कर्जे पे है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है लैंड का डेवलप करे कि नहीं करे, वो कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करता, वो जमीन से जितना उपज निकल रहा है उतना निकाल के वो सो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा रह गया है। मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज का इतना डेवलपमेंट नहीं है, इसके कारण सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए गांवों के अंदर खेती ही करना पड़ता है, जिससे खेती का बर्डन बढ़ते जा रहा है, एग्रीकल्चर का बर्डन बढ़ते जा रहा है, और वो बर्डन बढ़ने के कारण पर लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, महंगाई खूब बढ़ रही है, जिसके कारण अगेन एग्रीकल्चर में कमाई कम बची है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगी तो लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं रहेगा, तो लोगों को मजबूरन खेती करना पड़ेगा। अब जिस किसान के जिस पर्टिकुलर खेत पे दो किसान बहुत है यार, वहां पे पांच किसान सात किसान काम कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस है कि पर पर्सन एवरेज कम होना ही होना है, जिसके कारण हमारे कंट्री के अंदर पॉवर्टी बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये आपके कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ये बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा था ना आगे बताऊंगा, ये है आगे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट सरकार बहुत बार पूछती है। इस बार के एग्जाम में भी आपको जनधन योजना के बारे में पूछ सकते हैं, आवास योजना के बारे में पूछ सकते हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में खूब पूछ सकते हैं। सो दिस इज वन अमंग देम कि सरकार के क्या क्या योजनाएं हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए। आपको सारी योजनाएं याद करनी पड़ेगी बच्चा लोग, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। आपको एक टेबल बनाना है, योजना का नाम लिखना है, योजना कब चालू हुई थी वो लिखना है, योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और फाइनल नोट्स एंड रिमार्क्स, ऐसे करके चार कॉलम की टेबल बना लो, उसको अपने बाथरूम में या अपने बेडरूम में कहीं पे भी चिपका लो, जहां घूमते घूमते उस टेबल पे नजर डालते रहो तो आपको याद हो जाएगा। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे कि पहला योजना है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें आपको याद करना है, ये प्रोग्राम 6th 5-year plan में स्टार्ट हुआ था, ये प्रोग्राम चालू किया गया था 2 अक्टूबर 1980 के अंदर, ये प्रोग्राम हमने एक प्रोग्राम को मर्ज करके बनाया था जिस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, के अंदर इस प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया था। अब वैसे ही आपको बताया जाएगा ये सारे फॉलोइंग प्रोग्राम्स थे, इन सारे प्रोग्राम्स के तहत, अब ये सब आपको फुल फॉर्म भी याद करने, वन मार्क में पूछ लेते हैं बहुत बार कि GWS का मतलब क्या हो गया, तो भैया गंगा वेलफेयर स्कीम, SITRA का मतलब क्या होगा, तो सप्लाइंग इंप्रूव टूल किट्स टू रूरल आर्टिशियंस एंड मेनी मोर। फिर आपको याद करना है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, वो आपको याद करने हैं। आपको ये याद करना ये लास्टली कब कब लेटर ऑन 1st अप्रैल में क्या क्या चेंजेस आए थे, और इसका नाम बदल के हमने क्या नाम रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सो यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चा लोग, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। वैसे ही वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, अब वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के तहत एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम निकाली गई थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये सारी की सारी स्कीम्स हमारी सरकार ने निकाली है जिससे गरीबों को फायदा मिल सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, जिससे गाँव के लोगों को काम मिल सके। ये सब आपको याद करनी है। उसके बाद में वापस से ये इसके अंदर भी आपको यही याद करना है कि भैया क्या था ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एक्ट बेसिकली एक आदमी को जॉब देता है 7 दिन के अंदर, वो भी 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर देगा। ये एक्ट 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के हमने मनरेगा कर दिया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था इसका नाम। सो आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछा जाता है, जब कभी भी पेपर टफ आएगा ना, थोड़ा भी टफ आएगा ना, ये लोग ये क्वेश्चन डाल देंगे।
तो ये खास उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जिनको 95 प्लस लाना है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर पेपर टफ आएगा तो ये क्वेश्चन उस पेपर का पार्ट होगा, अगर पेपर इजी लेवल का बनाएंगे तो ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा। चलिए अब वापस से हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, कैसे पता चले हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कि पॉवर्टी में, पॉवर्टी के कारण हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, या एक पुअर हेल्थ के कारण पॉवर्टी पे क्या फर्क पड़ रहा है, वाइस वर्सा। तो सबसे पहले लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये आपके लिए डेटा बहुत अलार्मिंग होगा कि अगर हम देखें माल नरिश्ड पीपल हमारी कंट्री के अंदर, तो 1990 के अंदर 23% लोग थे, जो 2014-16 के अंदर 15% हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा नरिशमेंट मिलने लगा है, तो भी कम है भैया। और दूसरी हमारी प्रॉब्लम है, हम 2024 में आके 2014 के डेटा पढ़ रहे हैं, तो हम भी लल्लू है कहीं ना कहीं। तो भैया पढ़ते जाओ, उपाय नहीं हमारे पास कि 2014 के अंदर 15.2 था। वैसे देखा जाए तो ये भी अच्छा नहीं है, हमारा देश आज की तारीख में संपन्न देश है, राइट, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी अगर हमारे देश के लोगों को अच्छा खाना, अच्छा नरिश्ड फूड नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के फूड एजेंसीज को समझना पड़ेगा, वो ISI मार्क किसको बेच रहे हैं, किसको बांट रहे हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा। हम कितनी बार ऐसा होता है, हम रोड पे लारी पे खाने के लिए जाते हैं या फूड स्टॉल्स पे खाने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं वो लोग चीज बटर को ऐसे डाल रहे हैं जैसे पता नहीं पैसा ही नहीं लग रहा है। फिर हम अगर उनके पैकेट पे ध्यान देते हैं, वो किसी चालू कंपनी का पैकेट होता है। अब आप खुद सोचिए, 150-200 रुपए में अगर आधा किलो चीज मिल रही है या एक किलो चीज मिल रही है, मतलब वो सच में चीज नहीं होगी, वो कुछ और ही होगा, बट तो भी हमारी कंट्री में वैसी सप्लाईज रेगुलरली हो रही है। इसके कारण हम लोग वो फूड कंज्यूम करते हैं, हमें लग रहा है कि वी आर ईटिंग चीज एंड पनीर, बट वो बिल्कुल भी बेकार, बिल्कुल भी घटिया होता है। एंड दैट्स द रीजन हमारी कंट्री में आज भी 15% लोगों के पास प्रॉपर नरिश्ड फूड नहीं पहुंच पा रहा है। और आपके और हमारे जैसे लोग जिनके पास भगवान की दया से दो वक्त की रोटी की तकलीफ नहीं है, वो लोग भी अच्छा खाना खाना चाहते हैं, पर उनको भी अडल्टरेटेड फूड मिलता है। मतलब हम दूध लेते हैं, सब्जी लेते हैं, वो भी सही तरीके से पैदा होकर हमारे पास नहीं आ रही है। इसके कारण ये रेशियो हमारे कंट्री में ज्यादा होगा अगर इसका सही तरीके से जांच किया जाए तो। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगेन ये टेबल बहुत कुछ कहता है। आप देखिए नॉर्वे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नंबर सबसे ज्यादा है, बराबर है, वैसे तो जापान होना चाहिए, इन लोगों ने जापान दिया नहीं, जापान बहुत ज्यादा हो गया, अब तो 85 प्लस की हो गई है। तो चले इससे कंपेयर करते हैं, नॉर्वे में एक आदमी 2014 में करीबन 81 साल जीता था, 81 ईयर्स तक रहता था, जो कि आंकड़ा इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 68, इंडिया का आंकड़ा इधर मेंशन नहीं है, सॉरी गाइस इधर प्रिंटिंग एरर है, आप लोग अपने हाथ से लिख देना, इंडिया का आंकड़ा करीबन 64-65 है। वैसे देखा जाए तो मेल का 63 था, फीमेल का 65 था, आप यहाँ पे एवरेज करके 64 लिख सकते हो। सो आप कंपेयर करोगे कि नॉर्वे 81.6 पे, इंडिया 64-65 पे बैठा है, मतलब इंडिया में एक आदमी एवरेजली 64-65 की एज में गुजर जाता है, जो कि जापान नॉर्वे में 81-85 तक की उनकी लाइफ होती है। अब एक ज्यादा उम्र होने के दो कारण होते हैं, पहला वो अच्छा खा रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड, एंड सेकंड वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, तो इन दो कारण से एक आदमी ज्यादा जीता है। अब अगर हमारी कंट्री में आदमी 64 साल में निकल जा रहा है, तो भैया दो ही कमी है, एक तो हमारा खान पान अच्छा नहीं है, और दूसरा हमारे यहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और मैं तीसरी मेरी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्टिविटीज खत्म हो रही है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि जहां बच्चों को हम अब छोटे थे, हम ग्राउंड पे दौड़ते थे, भागते थे, हमें याद है हमारे बाजू में ग्राउंड था जिसके सामने 2-3 घर थे, हमने उन घरों के इतने कांच तोड़े होंगे जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम पूरे दिन खेलते थे, धूप छांव कुछ देखते नहीं थे, हम खेलते थे। तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है जो आज के बच्चों को नहीं मिलती है। स्कूल से 2 बजे आते हैं, घर आएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, 4 बजे कोचिंग चले जाएंगे, कोचिंग से 6-7 बजे आएंगे, स्कूल का होमवर्क करेंगे, थोड़ी देर नीचे बच्चों से मिल लेंगे, मोबाइल पर थोड़ी देर गेम खेल लेंगे और सो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो रीजन दैट वाई वी पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सो दीज आर द रीजंस। वैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी चेक करोगे, इंडिया की 44 है तो यहाँ पे नॉर्वे की सिर्फ 2 है। तो ये कुछ रीजंस है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत घटिया है जिसके कारण गरीबी बढ़ती जा रही है। चलिए इसके बाद में ये सब पॉइंट्स भी इजी है, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट ड्रिंकिंग वाटर, ये सब इंडिया में बहुत पुअर है। चलिए टॉयलेट का तो फिर भी पिछले 10 सालों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, जो डेटा फिलहाल यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, ये लोग अभी भी 2011 के डेटा को हमको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डेटा पुराना हो गया है, बट आपको लिखना यही पड़ेगा सर, आई कांट हेल्प इन दैट। सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉवर्टी, ये एग्जाम में 1-1 मार्क में पूछते हैं। दो तरह की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी।
दो तरह की पॉवर्टी रहेगी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिकली किसे कहा जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब जहां पे हम पॉवर्टी को सीधा डिफाइन करते हैं टोटल अमाउंट से, मतलब डिफरेंस निकालते हो, रिलेटिव में हम कंपेयर करते हैं, सिंपल सा रूल होता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिकली क्या हो गया कि जब एक आदमी एक मिनिमम इनकम और एक मिनिमम एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पा रहा है अपनी फैमिली के लिए, उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी में गिना जाता है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का, जहां पे हम एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि भैया इस रेखा जिससे ऊपर जो लोग होंगे वो गरीब नहीं है, इस रेखा के अंदर जो लोग होंगे वो लोग गरीब है। इन शॉर्ट अभी रेखा कैसे बनाई जाएगी, लाइन कैसे बनाई जाएगी, हर कंट्री की ये पॉवर्टी लाइन अलग होती है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा हर स्टेट की भी अलग होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में बेसिक फूड और बेसिक नेसेसिटीज अलग कॉस्ट करती है। जैसे कि हम अभी गुजरात में सूरत में है, अब अगर आप सूरत को महाराष्ट्र से मुंबई से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई बहुत महंगा है सूरत से। आप वही बेंगलोर से कंपेयर करोगे तो कुछ चीजों में बेंगलोर और महंगा है। तो आपको सिटी वाइज या स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन निकालनी होती है, जिसमें हम देखेंगे कि एक आदमी को जीने के लिए कितना खाना चाहिए। देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरी, फॉर एग्जांपल 2100 कैलोरी चाहिए होता है अर्बन के अंदर लोगों को। तो अगर 2100 कैलोरी खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, तो पर डे 2100 कैलोरी खरीदने के लिए लेट अस सपोज मुझे 300 रुपए चाहिए, तो 300 रुपए पर डे के हिसाब से एक महीने का करीबन करीबन हो जाता है 9000 रुपए। अब अगर ये 9000 रुपए एक आदमी कमा रहा है, मतलब वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और अगर वो 9000 भी नहीं कमा पा रहा है, मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी बड़ा ही घटिया कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे जैसे देशों के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड नेशन के अंदर आता है। रिलेटिव पॉवर्टी कहता है कि किसी के कंपैरिजन में अगर आपकी इनकम कम है, मतलब आप पुअर, काम खत्म। तो इस हिसाब से दुनिया में खाली एक ही आदमी पुअर नहीं है जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, उसके सिवाय बाकी पूरा गांव पुअर है। दैट्स द रीजन ये कॉन्सेप्ट हमारे जैसों के लिए नहीं बना है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डेवलप्ड नेशंस में काम आता है। चलिए अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के नाम पे हम क्या कर सकते हैं जिससे कि पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाए, पॉवर्टी खत्म हो जाए। तो भैया हमें कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स निकालनी पड़ेगी, जैसे कि आजकल अटल पेंशन योजना बहुत चल रही है, जिसके अंदर 60 साल के ऊपर वाले लोगों को मंथली पेंशन देने का काम सरकार करती है। अलॉन्ग विद पेंशन स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम्स भी चल रही है, जिसके तहत 18 से 70 साल के लोगों को लोन मिलता है या इंश्योरेंस मिलता है, मेडिक्लेम मिलते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलते हैं, वो भी बहुत कम प्रीमियम पे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 12 रुपए प्रीमियम पे आपको 2 लाख तक का लोन मिलता है, आपको सिर्फ दिन का 12 रुपए का प्रीमियम भरना है। तो इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, राइट। वैसे ही जीवन ज्योति योजना के तहत आपको 2 लाख का प्रीमियम दो इंश्योरेंस मिलेगा और आपको सिर्फ साल का 330 रुपए का प्रीमियम भरना है और आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस सरकार देती है। सो दीज आर सम ऑफ द गुड थिंग्स व्हिच आर डन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, अगला चैप्टर हमारा आने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट का, और ये चैप्टर मैं अब आपको पढ़ाऊंगा हमारे अगले वीडियो के अंदर। आज इतना बहुत है, आप एक बार के लिए इतना पढ़ लीजिए, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही मैं अपने टेक्स्ट बुक को अपना दोस्त बना के रखिए, उसमें से और भी कहीं से कोई छोटे क्वेश्चन मिले पढ़ते रहिए। हम आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको एग्जाम तक जितनी मदद हो सके हम आपको करेंगे, बट पहले आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। समय बर्बाद कम करो, पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दो, और जितना हो सके पढ़ाई करो, ठीक है बच्चा। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब मैं बाकी सारे चैप्टर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, ध्यान रखते रहिए।